दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को आसानी से कैसे लिंक कर सकते हो। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। हेलो दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं इम्तियाज यूट्यूबर चैनल। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करने के लिए पहले क्या होता था कि हमें आधार सेवा केंद्र जाना पड़ता था, लेकिन अब आधार सेवा केंद्र जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यहाँ खुद घर पर बैठे हुए कैसे लिंक करते हैं अपने आधार कार्ड में। जो दोस्तों आपके गांव के जो पोस्ट ऑफिस होंगे, आप वहां जाकर पता करना, उस पोस्ट ऑफिस में जाके आप अपने आधार कार्ड में अपने मोबाइल नंबर को लिंक करा सकते हैं। और अगर पुराना कोई नंबर पहले से लिंक है और वो नंबर खो गया है, आपके पास नहीं है, या आपको उस नंबर को चेंज कराना है, तो उस नंबर को आप दोबारा से दोस्तों उसमें लिंक करा सकते हैं। इससे आपको हो सकता है कुछ पैसे की चार्ज करेंगे वो लोग, लेकिन आपको आधार सेवा केंद्र अब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो गांव में पोस्ट ऑफिस है उसी में मोबाइल नंबर लिंक हो रहा है। तो आप वहां से जाकर लिंक करा लेना दोस्तों। अगर वहां नहीं लिंक हो रहा है तो जो आपके मेन पोस्ट ऑफिस ब्रांच होंगे, उस मेन पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाके आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करा लेंगे। दोस्तों जिस किसी का भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड में अपडेट करना है, उसको साथ में जाने होंगे और उसके जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड लेके साथ में जाने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर फिंगरप्रिंट डिवाइस के ऊपर उसे अंगूठा भी रखने पड़ेंगे, तभी आपके मोबाइल नंबर उसमें अपडेट किए जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट कराएंगे दोस्तों। सो गाइस, यही थी आज की एक छोटी सी वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर देना लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर नए होगा तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कराना, ताकि मेरे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। मिलते हैं इसी के साथ एक और नए वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।